हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी का स्वागत करती हूँ सिंधी एजुकेशन सोसाइटी में। आज सिंधी एजुकेशन सोसाइटी स्वामी हंस मुनि महाराज कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने आपके लिए आरोग्यम आयोजित किया है। आरोग्यम क्या है? आरोग्यम है इल टू विल। आज हम आपको बताएंगे हम ठीक कैसे रहेंगे। लेकिन हमारे पास ना कई जरिए दिए हैं हमको साइंस ने। एलोपैथी दिया है, होम्योपैथी। ग्रेट ग्रेट मेंटोर सतीश शर्मा। सतीश शर्मा ही इज अ ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर अ मेडिटेशन, फॉर अ योग। ही इज सर्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ही इज ऑल्सो कंडक्टिंग प्रेजेंटली आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज फॉर मेनी कंपनीज, फॉर मेनी क्लब्स, फॉर मेनी बैंक्स, फॉर मेनी सेशंस ही इज टेकिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो सतीश शर्मा योगा हेल्थ ऑन यूट्यूब। बट ही इज ऑलवेज शेयरिंग अ गुड काइंड ऑफ सेशंस फॉर अस। टूडे ही विल बी लाइव फॉर अस। सो वी आर वेटिंग फॉर सतीश जी। नमस्कार। आरोग्यम में आप सभी का नमस्कारम बहुत सतीश बहुत जी। स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कारम सतीश जी। हम चाहते हैं आप हमें योग के बारे में बताएं। योग एक ऐसी चीज है जो हमें 5,000 साल से चल रही है, जिसके माध्यम से हम बगैर कोई चीज खाए, बगैर कोई टैबलेट लिए ठीक हो सकते हैं कुछ ही टाइम में। कहा जाता है योग में, हमने ये भी सुना है, अगर 90 से 100 दिन का योग किया जाए तो मतलब हमारी बॉडी 90 से 100% तक ठीक रह सकती है। कितनी सच्चाई है बताइए प्लीज। देखिए, अगर आपने देखा होगा ऋषि मुनियों में, अभी भी लॉकडाउन में हम महाभारत रामायण देख रहे थे टीवी के ऊपर, तो अभी हमने बहुत सारे डाइट के अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन सलाड्स देखे, स्किन के बारे में जान ली। लेकिन अगर आपके पास आपकी प्राण ऊर्जा नहीं है, श्वास जिसको आप बेहतर ढंग से अगर नहीं ले पाते हो, तो सब चीज बेकार है। आपने सही देखा बात होगा, है। एक बार जब श्वास, ये ब्रेथ बॉडी से निकल जाती है, शरीर से, तो जिसका जो भी नाम हो वो नाम से नहीं बुलाया जाता, उसे फिर बोलते हैं कि शरीर। तो इतना जी, इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर का। और आजकल तो जहां तक सर शरीर इतना वो हो गया है पैंडेमिक की वजह से कि अगर आपके घर का कोई इतना नियर भी हो जाता है, अगर उनको कोई डिजीज और वायरस हो गया है, तो शरीर भी आपको दिया नहीं जाता, उसके भी मायने खत्म हो जाते हैं उस बॉडी के भी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो वायरस ऐसा है कि हमारे लंग्स के ऊपर ही अटैक करता है, यानी कि हमारे जी ब्रेथ के सर। ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम की, एंड इनफैक्ट वी विल डू सम शॉर्ट मेडिटेशन, कि जिससे हमारे लंग्स बहुत ही स्ट्रांग रह सके और बहुत मजबूती रह सके। जैसे मैंने कहा, योगा से आप कई दिनों तक प्राणायाम करके बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, पहले के ऋषि मुनि रहते थे, आपने देखा होगा, कई जी कई सर। सालों, हजारों वर्ष तक वो अपनी जिंदगी इसी तरह से करते थे। तो इतनी प्राण शक्ति, ऊर्जा है हमारे शरीर में। तो विल डू सम डेफिनेटली ए स्मॉल प्राणायाम विथ मेडिटेशन एंड ऑल। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है वो पहले मैं ले लेता हूँ। सर, सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख का, जैसे कि आप, हमारा योग तो 5,000 साल से है, लेकिन आज हम उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि साइंस ने मोहर लगा दी है, बस इसी वजह से। इसी वजह से जब हमारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, अक्षय कुमार, हमारी सुष्मिता सेन, हमारी रेखा मैडम, जो एवरग्रीन एक्ट्रेस है हमारी, वो फॉलो कर रहे हैं, तो राइट आज हम लोग देखकर फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज राइट, आपसे बात करना चाहूंगी सर, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो सर ये डिप्रेशन कैसे काम करता है, हमारा योग कैसे काम करता है हमारे डिप्रेशन के लिए? क्योंकि सर ये ऐसा पैंडेमिक था, घर बैठे बैठे सिर्फ खाने और न्यूज देखने के अलावा लोगों ने खास कुछ किया नहीं है, तो पीपल आर फीलिंग डिप्रेशन। आज जो लोग अपनी फैमिली फैमिली के लिए कमा रहे थे, आज वो अपनी फैमिली के साथ 24 घंटे भी नहीं गुजार पाए उस पैंडेमिक में। काफी सारे डिवोर्स केसेस बढ़ गए, सिर्फ उल्हासनगर लेवल की मैं बात करूं तो। सर, तो ये डिप्रेशन से हम कैसे फाइट करेंगे योग के साथ? देखिए, डिप्रेशन में अभी मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े टाइम पहले ही, कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मन के स्तर को नीचे गिरा देती है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो, और ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत ही सस्ती होगी, मतलब मौत को हम गले लगा लेते हैं। क्योंकि हमारी जो सोचने का ढंग होता है, हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, बॉडी की ऑरा आपकी खत्म हो जाती है। तो डिप्रेशन, देखिए, लाइफ है, जिंदगी है, उतार और चढ़ाव दोनों आते जाते रहेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को डट के मुकाबला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे, हम तो इंसान हैं, भगवान रामचंद्र आए थे, या यीशु मसीह को देखो, उन्हें भी इस दुनिया में आने के बाद इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। प्रभु रामचंद्र को तो 14 साल का वनवास, एंड यीशु मसीह को तो आपको पता है कि कितने टॉर्चर करके उन्हें, तो भगवान जब इस धरती पे आने के बाद इतनी सारे प्रॉब्लम्स में गए, तो हम इंसान क्या है,
तो सबसे पहली चीज ये है कि आप भले अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, योगा प्राणायाम मेडिटेशन कुछ भी करोगे तो इसका मतलब नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को निडरता के साथ पूरी अपनी जोश के साथ कैसे ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, और वो हमें दिलाता है योगा प्राणायाम और मेडिटेशन। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है करना रोज। जैसे मैम ने कहा कि डेंटल हाइजीन होता है, मैं कहूंगा कि मेंटल हाइजीन होता है। सुबह डेंटल हाइजीन के पहले अपने मेंटल हाइजीन को ठीक करना है। आप जैसे बिस्तर से अगर उठ रहे हो तो कुछ एफर्मेशंस ले लो, आंखें बंद करो और जस्ट शुक्राना करो, मतलब थैंक्स करो। कितने लोग रात को सोए तो सुबह उठ नहीं पाए, लाखों लोग ऐसे हैं, फिर भी आपको एक मौका मिला है, जिंदगी ने और एक चांस दिया है अपने पल को खूबसूरत बनाने का, तो उसके लिए शुक्रिया करना है सबसे पहले आपको उठ के, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी हैप्पी हेल्दी वेल्दी ब्लिसफुल लाइफ, और फिर आगे बढ़ना है आपको। सर उसके साथ कई सारे हम डिजीज से जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, वेट लॉस हो गया, इन सब के लिए आप हमें ऐसा कोई आसन या ऐसा कोई प्राणायाम, ऐसी कोई ब्रीथिंग टेक्निक जिससे हम इजीली ठीक हो सके। सर एक और एक वेट लॉस के साथ एक और इशू है, आजकल जिम बड़ा जा रहे हैं लोग, एक ट्रेंड हो गया है। सर जिम करते हैं नहीं करते हैं ठीक है, फोटो डालनी है ये करनी है वो करनी है, लेकिन जो लोग ओरिजिनली जिम करते हैं सर उनको मसल सॉरनेस आती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से आसन से बढ़ेगी, कौन सी ब्रीथिंग टेक्निक से वो इतना अच्छा ब्रीथ कर पाएंगे कि हैवी से हैवी वेट लिफ्ट कर पाएंगे? देखिए मैं खुद भी जिम जाता हूँ, आई लव टू डू जिम, मैं योगा प्राणायाम मेडिटेशन करता हूँ। इनफैक्ट जिम और योगा वाले ऐसे रहते हैं, मतलब दे डोंट लाइक टू ईच अदर, बट आई एम द पर्सन हु इक्वली गिव द इम्पोर्टेंस फॉर द बोथ। सी जिम इज फॉर योर मस्कुलरिटी, मस्कुलर बॉडी जो आपकी है उसके लिए, योगा इज फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्राणायाम इज फॉर द ब्रेड एंड मेडिटेशन इज द फॉर द सोल। तो मेरा मानना है सब चीज करना चाहिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन जो आपको ठीक लगे, बट प्राणायाम इज द बेस्ट, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। आपके ऑफिस में जैसे भी आप ऑफिस में बैठे हो, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, आप ट्रेन में जा रहे हो, कार में बैठे हो, देयर यू कैन डू द प्राणायाम मेडिटेशन। और प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि आपकी वेट लॉस भी हो सकती है। ऐसे कई मुद्राएं हैं जैसे कि अग्नि मुद्रा है, अगर आप अग्नि मुद्रा रोज 20 मिनट या आधा घंटा करते हो तो आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट है वो पूरी डिजॉल्व होनी चली चली जाती है, आपकी जो BMI इंडेक्स है वो काफी मेंटेन होती है। तो मैं बता देता हूं आपको कि कैसे करना है, हालांकि आगे जैसे सेशन में स्टार्ट करूंगा, कि सूर्य मुद्रा के थ्रू आपकी बॉडी के जो वेट है वो कम कर सकते हो, और प्राण मुद्रा के थ्रू आपके शरीर के जो डायबिटीज है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, और मंडूक आसन है जो बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के लिए। अच्छा दूसरा ये होता है कि आप जैसे ऑफिस में बैठे हो, आपका अभी आप होस्टिंग कर रहे हो, सडनली आपको कुछ एंजाइटी आया, फियर आया, मुझे कुछ अच्छा काम करना है, तो क्या करोगे यार, एक काम कर, चाय तो लेके आओ, कॉफी लेके आओ या कोई टैबलेट खा लिए, बिल्कुल नहीं खाना है। उसके लिए मेरे पास एक है रामबाण, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इफ यू हैविंग एनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, बस भस्त्रिका प्राणायाम करो, देखो आपके अंदर क्या स्फूर्ति क्या ऊर्जा आ जाती है। तो भी मैं बता देता हूँ आपको, आपके क्वेश्चंस हो जाए तो वन बाय वन आई विल शो ईच। मैं चाहती हूँ सतीश जी को सारे ही यूट्यूब चैनल पे, नहीं नहीं सर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगी मैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं, आप प्लीज सतीश जी को योगा से, योगा उनका यूट्यूब चैनल है, प्लीज फॉलो करें उसमें, सतीश शर्मा योगा प्लीज करेक्ट, उसमें जो चैनल है उसे फॉलो करें, उसमें कई सारी अच्छी लिंक्स हैं, जैसे कि उन्होंने नेवल ऑयलिंग के बारे में भी बताया है, नेवल ऑयलिंग इज अ वेरी गुड प्रोसीजर यू कैन गेट रिड, ये उन लोगों के लिए है जो बेड रिडेंट है, सोए सोए खुद को ठीक कर सकते हैं ताकि जब वो योग तक पहुंचे उठे ब्रीथिंग करें, तो प्लीज इन टेक्निक्स को फॉलो करें, आगे बढ़ेंगे सतीश जी प्रैक्टिकल में, प्लीज आगे बढ़िए। देखिए नेवल ऑयलिंग के ऊपर मैं आऊंगा कि हमारे जो शरीर की 72,000 नाड़ियां ना जंक्शन, वो पूरा नाभि के पास है, नेवल के पास, वही से पावर जंक्शन है जो जाती है। एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में जब भी होता है तो 9 महीने तक जो खाना या नरिशमेंट्स मिलते हैं उसको, वो थ्रू उसके नाभि से मिलता है, लेकिन उसके बाद हम उसका केयर करना भूल जाते हैं। तो मेरा सजेशन है एवरी डे जब भी रात को आप सोते हो तो थोड़ा 2 या 3 ड्रॉपर ऑयल से आप लगा सकते हो। अभी कौन सा ऑयल का क्या फायदा है वो ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन हैं, अलग अलग ऑयल्स के अलग अलग फायदे हैं, उसे फॉलो करें, अपने डिप्रेशन से भी मुक्ति पाए। हम कैसे, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन ना बड़े ही अजीब होते हैं। अब मैं अगर कहूंगी सारी ऑडियंस को आंखें बंद करें और एक एप्पल ना देखें,
तो हम क्या करेंगे, पहले पहले वो एप्पल का इमेज हमारी आंखों के अंदर आ जाता है। ये होता है बिल्कुल एक बिल्कुल सफेद पेपर पे एक काले डॉट, डिप्रेशन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, योग सीखेंगे और डिप्रेशन को खत्म करेंगे। हमें कोई भी तुच्छ चाइनीज वायरस नहीं मार सकता। जी सर, बिल्कुल प्रैक्टिकली आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आई विल शो यू जी समथिंग कि अपने लंग्स को जी कैसे आप स्ट्रांग कर सकते हो, और बिल्कुल यहाँ चाहूंगा सब इसमें पार्टिसिपेट करें, आप भी पार्टिसिपेट जी करना और एक जी छोटा सा ध्यान भी करेंगे, एंड देन आई वुड लव जी टू हैव सर योर फीडबैक। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, विल डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप अगर आपके ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को, 72,000 नाड़ीज को पूरी तरह से उसको स्ट्रॉन्ग करती है, और नाड़ी के अंदर जो भी ब्लॉकेज रहती है उसको पूरी क्लियर करती है। जैसे आप सभी को पता है, होगा नहीं है तो मैं बता भी दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड जो है ये हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी होती है, और राइट साइड जो होती है सूर्य नाड़ी होती है। लेफ्ट साइड हमारे शरीर की जो कोल्ड या ठंडक रहती है उसको कंट्रोल करती है, और राइट साइड जो है हमारे शरीर की हीट या तो एनर्जी को कंट्रोल करती है। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको एंजाइटी आ रहा है, फियर आ रहा है, या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या बहुत घबराहट हो रहा है आपको, तो उस समय आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको चिन्ह मुद्रा में लाना है, यानी कि अंगूठा और पहली उंगली को एक दूसरे से ऐसे टच करना है इस तरह से, और इसको आपको अपने लेफ्ट थाई पे रख देना है, बाएं हाथ के ऊपर, बायां घुटना हो गया, और राइट साइड का राइट हैंड जो है वो आपके राइट नॉस्ट्रिल पे जाएगा, दाई नासिका पे। आंखें बंद कर लेनी है, फिलहाल आप आंखें खोल के देख सकते हो, मैं आंखें बंद कर रहा हूं। आपकी जो अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रिल पे, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, दोनों भौहों के बीच में, और रिंग फिंगर और जो स्मॉल फिंगर है ये आ गया आपका लेफ्ट साइड में। अभी करना क्या है आपको, आंखें बंद करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, और लंबी गहरी सांस पहले दोनों नाक से लेना है आपको, जैसे कि हमें सांस ले रहा हूं दोनों नासिका से, और एक्सहेल करना है दोनों नाक से। अब यहां से नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल है, दाई नासिका, उसको अंगूठे से बंद करना है, और आपको लेफ्ट साइड से सांस लेना है इस तरह से। मैं भी लेफ्ट साइड से सांस ले रहा हूं, और लेफ्ट साइड को फिर बंद करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट साइड से सांस भरेंगे, ब्रीदिंग, राइट साइड को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। सब मेरे साथ कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट नाउ। लेफ्ट साइड से सांस भरें, बाएं साइड से सांस भरना है, आंखें बंद रखते हुए ब्रीद इन, लेफ्ट साइड को बंद करें और राइट साइड से सांस को छोड़ें। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ फ्रॉम राइट साइड, क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से सांस भरें, लेफ्ट साइड को बंद करें और राइट साइड से एक्सहेल। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट को बंद करें और राइट साइड से छोड़ें। राइट से सांस भरें, राइट को बंद करें एंड लेट गो फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट से बंद करें, राइट से छोड़ें। कम से कम आपको 9 राउंड करना है, कंटिन्यू करें। लेफ्ट साइड से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस भरें, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स। तो ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब
करना क्या है, यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया और राइट से छोड़ा, और फिर आपने राइट से सांस भरा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, ये हुआ एक राउंड। ऐसे आपको कम से कम 9 राउंड करना है। ये चिन मुद्रा आपको इस तरह रखना है, बाकी पोजिशन मैंने बताई। इसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तभी कर सकते हो, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो कर सकते हो, ऑफिस में बैठे हो 10 मिनट का टाइम निकाल के आप कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि आपके शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं, जो 72,000 नाड़ीज है, वो पूरी तरह से शुद्ध होती है, प्यूरिफाई होती है। ब्लड का फ्लो आपके पूरे शरीर में बहुत ही सुचारू तरीके से होता है। शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब को बहुत ही मेंटेन करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को काफी अच्छे लेवल पे लेके आता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही मेंटेन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के डेट में माइग्रेन की भी बहुत समस्या है, तो जिन्हें माइग्रेन्स हो रहा है, बहुत हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वो रोज इस प्राणायाम, इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को करें। करना कभी है अभी मेन चीज, करना आपको ऐसा है कि अगर आप सुबह कर रहे हो खाली पेट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आपने कुछ खाया है हल्का फुल्का तो उसके बाद भी आधे घंटे बाद आप कर सकते हो। दिन में जितनी दफा, जितनी बार आप करोगे उतना आपको फायदा होगा, आपकी नाड़ियां बहुत स्वस्थ होंगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी जो भी टेंशन एंजाइटी होगी वो भी खत्म होगा। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम आते हैं कि अगर आपको अचानक कोई एंजाइटी आ गए, कोई घबराहट आ गई, या कुछ आपके बेचैनी आ गई, तो क्या करना है? जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं से कुछ बैड न्यूज मिल गया और दिल बहुत धड़कने लगा, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले, बहुत घबराहट हो रहा है, क्या है क्या नहीं, सॉरी, तो वहां पे आपको टर्टल ब्रीदिंग करना है, कछुआ। जी हाँ, टर्टल ब्रीदिंग, कछुआ अगर आपने देखा होगा तो उसकी लाइफ कम से कम 150 साल से लेकर 300 साल तक रहती है, मिनिमम 150 ईयर्स, और अप टू 300-400 साल एक कछुआ अपने जीवन को जीता है। कैसे जीता है, क्या खाता है? हम इतने सारे प्रोटीन खाते हैं फिर भी हमारी लाइफ ऐसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के द्वारा। कछुआ 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट में सिर्फ 3 बार सांस लेता है, और आम इंसान 16 बार लेते और छोड़ते हैं, वो सिर्फ 3 बार। तो आइए आज टर्टल ब्रीथिंग के बारे में जानते हैं। जब भी आपको कोई भी एंजाइटी आए तो आपको टर्टल ब्रीथिंग लेना है। टर्टल ब्रीथिंग कैसे करना है? आपको एक ही सांस को 3 बार में लेना है। मींस कि जैसे भी हमने सांस लिया, मैंने कहा कि लेफ्ट से सांस लो छोड़ो, तो आपने कैसे लिया, 1 बार में लिया ऐसे और छोड़ दिया। अब टर्टल ब्रीथिंग में क्या करना है? टर्टल ब्रीथिंग में आपको एक ही सांस को आपको 3 लेवल में लेना है। जैसे भी देखिए मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, मैंने कैसे किया, सांस 3 दफा लिया, तीन, एक ही सांस को 3 टुकड़े में लिया है, देखिए ऐसे, लेना 3 दफा में, छोड़ना 1 ही बार में है। अच्छा, जब भी आप टर्टल ब्रीथिंग कर रहे हो, आपने एक सांस को यहां पे लिया 33% और 2 सेकंड के लिए रुकेंगे आप, फिर थोड़ा सांस नीचे लेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर फाइनल सांस पूरा लेंगे और 2 सेकंड रुकेंगे। देखिए मैं बताता हूं, लेट अस डू, सब करते हैं एक साथ, लेट अस स्टार्ट द टर्टल ब्रीथिंग। 3 बार में एक सांस लेना है, थोड़ा लेके 2 सेकंड रुकना है, फिर लेना है, फिर 2 सेकंड, फिर लेना है, फिर 2 सेकंड। बहुत ही फायदेमंद है, अभी आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेस कहां गया। देखिए लेट अस स्टार्ट, एक्सेल एक ही बार में करना है, एक साथ करना है, रोकना नहीं है, लेना है, लेना है, लेना है, बट एक्सेल आपको एट ए टाइम एक ही बार में करना है। लेट अस स्टार्ट वंस अगेन, सांस लें,
तो ये है टर्टल ब्रीदिंग, आपको एक सांस को 2 सेकेंड रोकना है, फिर खींचा, फिर लिया, फिर 2 सेकेंड और फिर 2 सेकेंड और एक ही बार में छोड़ना है। ये आप कम से कम 5 मिनट करेंगे, आप देखोगे आपकी जो भी टेंशन था, जो स्ट्रेस था, पूरी तरह से निकल जाएगा। टर्टल ब्रीदिंग सीधे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऊपर असर करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड है, उनको असर करता है, ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन को बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत एनर्जी प्रदान करता है, पूरा ब्रेन हमारा बहुत ही मस्तिष्क स्वस्थ होता है और पूरा स्ट्रेस तनाव शरीर में से निकल के बाहर फेंका जाता है। तो आपको जरूर ये करना चाहिए व्हेनेवर यू फील द स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल। तो ये हुआ टर्टल ब्रीदिंग। अब हम आ जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ, भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं जो मैंने आपको कहा था, कर ले एक सेट में जी सर। आपको इस तरह से बैठना है, वज्रासन में बैठना है और भस्त्रिका प्राणायाम तब करना है आपको, और पीछे लौटना, भस्त्रिका प्राणायाम तभी करना है व्हेनेवर यू फील वेरी लिथार्जी, शरीर के अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तब आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आपको दोनों पैरों को फोल्ड करके हिप्स के ऊपर, आपको अपने एड़ियों के ऊपर हिप्स को रख देना है और आराम से रीढ़ की हड्डी सीधे रखेंगे। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। करना कैसा है, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने रखनी है आपको, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब यहां जो टेक्निक है वो टेक्निक ये है कि आपको एक ही बार में सांस लेना है, जितना जोर से आप एक ही बार में सांस को फेफड़े से भरना है और सांस को जैसे हमने अंदर लिया, जैसे मैंने अभी सांस लिया अंदर, और दोनों हाथ आपके ऊपर की ओर खुल जाएंगी, आपके जो मुट्ठियां हैं वो इस तरह से ऊपर ऐसे आपकी ओपन हो जाएंगी। ये देखिए ऐसे मैं भी सांस ले रहा हूं और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी वापस आपकी यहां आ गई। फिर से देखिए मैंने सांस लिया, मुट्ठियां ऐसे खुल गई, ये ऐसे आपको ऊपर ओपन रखना है, जैसे हमने सांस लिया आकाश की तरफ मुट्ठी और सांस फिर आपको एकदम पावरफुल ब्रीथिंग के साथ आपको छोड़ना है। देखिए ये आपको 20 काउंट करना है, लेट अस डू नाउ, 1। देखा आपने, आपको बहुत ही एक ही बार में सांस लेना है और एक्सेल करने के टाइम पे आपको एक योद्धा की तरह, एक सोल्जर की तरह ऐसे सांस को लेना है। ये जो एल्बो है यहाँ पे हिट होने चाहिए, लंग्स के अंदर से सारी टॉक्सिन्स आपके फेफड़े से बाहर आनी चाहिए, लाइक दिस वे, ऐसे आपको 3 सेट करना है। एक सेट होता है 20 काउंट का। भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे क्या है उसके ऊपर आ जाता हूं मैं। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, आपकी लंग्स के अंदर बहुत ही ऊर्जा आ जाती है, पूरे शरीर में आप देखोगे तो बहुत ही एनर्जी आ जाएगी, आपको चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 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 सर, आज हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम जिसे पावरफुल ब्रीथिंग भी कहा जाता है और टर्टल ब्रीथिंग। टर्टल ब्रीथिंग मुझे कुछ पुरानी चीजों की याद दिलाती है, जैसे कहा जाता था हम जब स्कूल में स्टोरी पढ़ते थे तो कहा जाता था टॉर्टोइस स्लोली विंस द रेस, तो हमें सांसें उस तरह लेनी है ताकि हमारे लंग्स का हर चैम्बर इस्तेमाल हो। आपको लंग्स का अचार तो डालना है नहीं, उनका हर चैम्बर इस्तेमाल करना है। तो आज हमने ब्रीथिंग टेक्निक सीखी जो हमारे इंटरनल प्रोसेस को, मैकेनिज्म को ठीक करेंगी, हमारे शरीर के हर भाग तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है स्पेशली टू योर ब्रेन तो हमारी सारी चीजें अच्छी चलती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चलता है, तो हमारे शरीर में कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देर तक नहीं टिकती या तो हमें इफेक्ट ही नहीं करती। सही सर? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ब्रेथ आप देखो, अगर जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी रहते हो, तो आप कैसे ब्रेथ लेते हो, बहुत छोटा ब्रेथ लेते हो,
जब भी आप गुस्से में रहते हो तो हमारी ब्रेथ कैसे रहती है, मैं इसको एक मारना और है। जी मैं एक और चीज लोगों को बता दूं, हमारी ऑडियंस को, कई सारे लोग अपने मरते दम तक कई सारा हिस्सा अपने लंग्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उनकी जिंदगी एक्चुअली हम काम और इन सारी चीजों में चले जाती है कि उनको अपनी सांस पर ही कभी ध्यान नहीं जाता। तो हमारे वेदों ने हमें यही सिखाया है, जो तुम अंदर ले रहे हो, जो तुम छोड़ रहे हो, सिर्फ तुमको उस पर ध्यान देना है। जब भी तुम अकेले बैठे हो, तुम्हें अकेले नहीं बैठना, अपनी सांसों के साथ बैठना है। बिल्कुल, सांस ही है जो हमारी ऊर्जा है, पूरी एनर्जी है। जी, अगर आपका एक शरीर लास्ट ठीक प्राणायाम है कर लेते हैं हम लोग। तो जी सर, बिल्कुल डायबिटीज के लिए मैं बताऊंगा मंडूक आसन, बहुत ही फायदा है। देखो, जी जी है तो एनिमल्स के नाम जैसे टर्टल, और ये तो फ्रॉग पोज कहते हैं इसको। मंडूक आसन आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। जिनको डायबिटीज है, अगर आप रोज ये करते हो तो आपकी डायबिटीज की रिपोर्ट आप आज चेक कराना, या तो कल चेक कराना, एंड यू जस्ट मेक इट आफ्टर 21 डेज। अगर आप ये रोज करते, यू कैन फाइंड आउट सम लाइक मेजर डिफरेंस इन द रिपोर्ट। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये आपकी जो हथेली है, इसको ऐसे अंगूठे को छोटी उंगली के पीछे लेके जाना है और इसे मुट्ठी बना देना है। बैठना आपको ऐसे ही है जैसे मैं बैठा हूं, वज्रासन में आना है, और इस तरह से आपका पोज बनेगा। यू कैन सी लाइक दिस, ओके। अब इसको करना क्या है, नेवल के पास लेके जाना है, दोनों को जो हमने मुट्ठी बांधी, नेवल के पास लेके जाना है ऐसे। अब यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेना है आपको, और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है, और नीचे जाके सांस ना ही लेना है ना छोड़ना है। जस्ट यू हैव टू स्टॉप योर ब्रेथ। जितने टाइम तक आप ब्रेथ को अपने स्टॉप कर सकते हैं, यू कैन स्टॉप। लेट अस डू नाउ। देखिए, इसे मुट्ठी बांधनी है आपको, यहाँ पे हमने बनाया नाभि के पास में इसको रखा, एक लंबी गहरी सांस अंदर, और सांस को बाहर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और पेट अंदर की तरफ करेंगे, और पूरा ध्यान सामने की तरफ। रिलैक्स। यहाँ पे जैसे ही हम नीचे गए तो हमने अपने ब्रेथ को रोक के रखा, ना हमने इनहेल किया ना एक्सहेल किया। वी हैव जस्ट, हमने पहले सांस लिया और सांस को छोड़ते हुए हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पूरा सांस को जैसे हमने छोड़ा और एक पोज लिया, और ठीक ऐसे आपको सामने देखते रहना है और यहाँ ब्रेथ को रोक के रखना है। सो दिस इज द मंडूक आसन, विच विल बी मच मोर बेनिफिटेड फॉर ऑल डायबिटीज पेशेंट, एवरीवन। सिमरन जी, आप आ सकते हो, आपके और कुछ अगर सवाल हो, क्वेश्चन हो तो। आज हमने जैसे देखा कि जी सर, हमने देखा कि हमने मंडूक आसन कैसे सीखा, जैसे कि आपको बताया गया कि मुट्ठियां आपको नेवल के नीचे डालनी है, दिस इज टू एक्टिव योर पेनक्रियास। हमारी शुगर इंसुलिन रिलीज होती है हमारी पेनक्रियास से, तो बेसिकली हमने सीखा हमारी पेनक्रियास को कैसे एक्टिव करना है ताकि वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ शुगर रिलीज करें। सही सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपसे एक और जैसे रिक्वेस्ट है, एक हमें मेडिटेशन का सेशन आप सिखा दें ताकि हम किसी भी मोड पे, डिप्रेसिव मोड पे, किसी भी मोड पे एकदम शांत रहें। लेकिन छोटा सेशन, टाइम की काफी कमी है सर। बस बस एकदम छोटा सा सेशन ही करते हैं जी मेडिटेशन सर, का। एंड इनफैक्ट मेडिटेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है, मेडिटेशन इज मींस कि डूइंग नथिंग। लोग बहुत जी गलत ले लेते हैं कि हमें बहुत कुछ कॉन्सेंट्रेशन करना है। जैसे आपने एप्पल जी को बताया कि एप्पल को मत लो, माइंड में आता है। मेडिटेशन मीन्स जी डूइंग नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, लेट अस स्टार्ट नाउ। आप सभी जी मिलकर करेंगे। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लें, और दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, और चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब यहां पे जब मैं कहूंगा मैं शरीर नहीं हूं, तब आपको सांस को अंदर लेना है, और जब मैं कहूंगा मैं मन भी नहीं हूं, तो सांस को छोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, इनहेल, मैं मन भी नहीं हूं, एक्सेल। तो आपको ध्यान रखना है, मैं शरीर नहीं हूं बोलने पे सांस अंदर, और मैं मन भी नहीं हूं पे सांस बाहर। लेट अस स्टार्ट नाउ। आराम से बैठ जाएंगे, चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। लेट अस स्टार्ट नाउ।
मैं शरीर नहीं हूं, इनहेल, मैं मन भी नहीं हूं, एक्सेल, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। विश्राम, आंखें बंद ही रखेंगे और अपने पूरे ध्यान को अपने नाभि के पास लेके आएंगे, मणिपुर चक्र पे, नेवल। मणिपुर चक्र सोलार प्लेक्सस, जहां सूर्य की ऊर्जा और हमारे शरीर का अग्नि तत्व है, वहां पूरा ध्यान नाभि के पास, आंखें बंद रखते हुए अपने सांसों को सिर्फ महसूस करना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपने सांसों को महसूस करें नाभि से लेके दोनों नासिका तक, और दोनों नासिका से नेवल टू नॉस्ट्रिल, योर नॉस्ट्रिल टू नेवल, और जा रही है नाभि के यहां से सांस दोनों नासिका तक आ रही है, और दोनों नासिका से नाभि तक जा रही है। अब अपने मन को दोनों नासिका के पास टिका देंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व करना है हमारे शरीर में जो सांस आ रही है दोनों नासिका के पास से, सांस गर्म है या ठंडा है। महसूस करें श्वास बाई नाक से आ रही है या दाई नासिका से आ रही है, उसे बदलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। जिस प्रकार भी सांस आ रहा है उसे आने दें, लंबी गहरी सांस या फिर छोटी सांस, सांस गर्म है या सामान्य रूप से ठंडी है, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर, दोनों ध्यान नासिका से नाभि तक। अब अपने ध्यान को हृदय के पास लेके आए, बिटवीन द चेस्ट, अनाहत चक्र, एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम हार्ट टू नॉस्ट्रिल, दोनों नासिका से हृदय तक और हृदय से दोनों नासिका तक, सांस आ रही है, जा रही है।
अंदर आती हुई सांस हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा प्रदान कर रही है, शरीर को शक्तिवान बना रही है, और बाहर जाती हुई सांस शरीर की सारी बीमारियां, सारी टॉक्सिन्स, सारी तकलीफों को दूर करते जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के प्रति जागरूक रहना है। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। इनकमिंग ब्रेथ एनर्जाइज द बॉडी एंड आउटगोइंग ब्रेथ रिलैक्सिंग द होल बॉडी। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। सांस अपने अनुसार आ रही है और अपने नियम अनुसार जा रही है। विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट ब्रेथ इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट। कोई भी एफर्ट नहीं करना है, सांस को अपने हिसाब से आने दें और जाने दें। पूरे ध्यान टॉप ऑफ द हेड, एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द नॉस्ट्रिल एंड फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द टॉप ऑफ द हेड। अपने सांस को महसूस करें सिर की चोटी के ऊपर, और सिर के चोटी के ऊपर से पूरा शरीर शिथिल हो, रिलैक्स होते जा रहा है। शरीर की सारी थकान दूर होते जा रही है, शरीर की सारी बीमारियां खत्म होते जा रही हैं, शरीर की सारी टॉक्सिन्स खत्म होते जा रही है, पूरा शरीर शिथिल होते जा रहा है। विश्राम करेंगे इसी अवस्था एक और लंबी गहरी सांस और बाहर। जैसे कि आज हमने देखा सांस लेने की प्रक्रियाएं सीखी, बहुत ही बारीक बारीक चीजें आपने हमको सिखाई। थैंक यू सो मच, हम आपके आभारी हैं। आज हमने वो सब सीखा जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन शायद हम नोटिस नहीं कर रहे थे, जैसे हमारी सांस, हमारे खाने पीने की छोटी छोटी चेंजेस, हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हमारे योग के माध्यम से। जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने ये आरोग्यम के माध्यम से हमें छोटी छोटी चीजों का लाभ कैसे लेना है जो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे थे। आज हमने अपनी सांस के बारे में सीखा कि उस पर कैसे ध्यान देना है, और अपने शरीर का जिसे हम दिन भर उठाकर घूम रहे हैं, या शायद वो हमें हमारी आत्मा को उठाकर घूम रहे हैं, उसका ख्याल कैसे रखना है योग के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे हम, एक और चीज सीखेंगे जैसे कि सूप बनाना। हम सूप बनाना पहले भूल गए, हमने सलाद तो खा लिया लेकिन इवनिंग सूप बनाना हम छोड़ दिया हम लोगों ने। हम इवनिंग सूप बनाएंगे और हम बच्चों के लिए एक कोई छोटी मोटी रेसिपी, जो जैसे बच्चे बहुत सूप पे